नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने प्रॉपर्टी चैनल में। मैं आपका दोस्त गौरव आज आपके लिए बहुत ही शानदार ऑनर बिल्ड हाउस लेकर आया हूं दोस्तों। और ये जो प्रॉपर्टी है काफी अच्छी तरह से डिजाइन करी गई है। इंटीरियर डिजाइनिंग का जो वर्क है इसके अंदर काफी शानदार आपको मिलता है। लोकेशन बहुत प्यारी है, हाइट पर प्रॉपर्टी आपको मिलती है। काफी टाइम क्या होता है, हम प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं थोड़ा हाइट पर हो या पानी ना बढ़ता और वो सही हो, एनवायरमेंट आसपास का सही हो, तो उस पर्पज से आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑनर बिल्ड प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। और प्रॉपर्टी बहुत ही कम समय में बनी हुई है दोस्तों। अभी प्रॉपर्टी को जो बने हुए अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं। सेल करने का रीजन मैं अभी आपको वीडियो के बीच में या लास्ट में बता दूंगा दोस्तों। ये जो प्रॉपर्टी है इतना समझ लीजिए थोड़ा अर्जेंट सेल में आई हुई है और बहुत ही शानदार फ्रंट एलिवेशन के साथ, काफी अच्छे इंटीरियर वर्क के साथ, काफी अच्छी तरह से डिजाइन करी गई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी दोस्तों 164 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है। प्रॉपर्टी का जो फ्रंट आपको देखने को मिलता है 25 फ्रंट आपको मिलता है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आपको मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं लोकेशन की बात कर लेता हूँ दोस्तों। एक चीज और बता देता हूँ, प्रॉपर्टी आपको लेनी है नहीं लेनी वो चीज अलग है। एक बार इस प्रॉपर्टी का टूर करिए, आइडिया लीजिए कि प्रॉपर्टी काफी शानदार है। आने वाले टाइम अगर आप कोई घर डिजाइन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी काफी शानदार ही आपको एक आइडिया देखने को मिल जाता है। अगर कोई आइडिया लेना है प्रॉपर्टी के अंदर तो देखेंगे, बजट है वो चीज अलग हो जाती है, बजट है या नहीं है। प्रॉपर्टी की जो वीडियो है स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। मैं आपको इस प्रॉपर्टी का बहुत ही बेहतरीन टूर कराने वाला हूँ दोस्तों, पूरी एक एक डिटेल दूंगा। बहुत ही शानदार इंटीरियर डिजाइनर के थ्रू प्रॉपर्टी बनाई गई है। ये जो प्रॉपर्टी है खुद ये इंटीरियर डिजाइनर है जो ओनर है, तो इन्होंने खूब मेहनत से काफी प्यार से और काफी अच्छे मटेरियल का जो यूज इन्होंने कराया। सारी चीजें जो आपको अंदर देखने को मिलेंगी ब्रांडेड देखने को मिलेंगी। स्पेस का जो इन्होंने यूज कराया इस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है दोस्तों तुनवाला में, काफी शानदार लोकेशन आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी के सामने की रोड की बात कर लेते हैं। और रोड आप देखेंगे 18 फीट की रोड है, लगभग 20 फीट की आपको देखने में लग रही है दोस्तों। लगभग 18 से 20 फीट की रोड आपको प्रॉपर्टी के पास देखने को मिल जाती है। सामने जो फ्रंट रोड है 20 फीट की रोड लगभग है, 18 से 20 फीट। और इधर आप देखेंगे ओपन एरिया पूरा, प्रॉपर्टी के दोनों आस पार क्रॉस रोड जारी है दोस्तों। और मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फ्रंट एलिवेशन की, तो फ्रंट एलिवेशन आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार। देख सकते हैं बेहतरीन मॉडर्न डिजाइन की प्रॉपर्टी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। देहरादून के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आपको बहुत कम देखने को मिलती है जो सेल पर आती है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। फ्रंट पे भी अगर आप वर्क देखेंगे, यहीं से मैं अगर शुरुआत करता हूँ वर्क के काम को बताने की, तो सबसे पहले देखेंगे वॉल्स पर दोस्तों काफी अच्छी ब्रांडेड टाइल्स का इन्होंने यूज किया है। कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हर एक चीज का बहुत ही बारीकी से इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक जो कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स लगाई हुई है, ऊपर से नीचे तक ही टाइल लगी हुई है दोस्तों, ब्रांडेड टाइल लगाई हुई है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो इन्होंने बाहर से मंगाई हुई हैं, वो आपको जब अंदर चलेंगे तब आपको पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहली चीज दोस्तों देखेंगे स्लाइडिंग डोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो मेन गेट है आपका इसका, वो आपका स्लाइडिंग गेट है, जिससे कि आपकी जो गाड़ी है, चाहे वो आपकी छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, वो आपको पार्क करने में आसानी रहेगी। तो आप देखेंगे सबसे पहले पार्किंग आपको पूरी एसयूवी की पार्किंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और पार्किंग के अंदर भी काफी बेहतरीन वर्क आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। देख सकते हैं काफी स्पेशियस पार्किंग आपको मिलती है और काफी पूरी पार्किंग में बाहर भी आप देखेंगे तो टाइल्स का ही वर्क आपको वॉल पर देखने को मिलता है। जो दीवारें हैं आप देखेंगे प्रॉपर्टी उस पर चारों तरफ ही टाइल्स है। और इधर देखेंगे काफी एक शानदार डिजाइन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। स्टूडियो लाइट यहाँ पर यूज करी हुई है और ये जब रात को जलती है तो काफी प्यारी लगती है। यहाँ इन्होंने आप देखेंगे कुछ गमले यहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे कि पार्किंग और भी सुंदर देखने को मिलती है। नीचे आप देखेंगे सीढ़ियों के नीचे ही जस्ट इन्वर्टर और मोटर की पूरी आपको फिटिंग देखने को मिल जाती है। और पूरा सेफ एक तरह से देखेंगे जो इन्होंने यूज कराया इसके लिए, जो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बच्चों के लिए भी और वैसे भी आपके लिए काफी सेफ एरिया आपको मिल जाता है। इधर आप देखेंगे 4 से 5 फीट की, 5 से 6 फीट लगभग आपको एक गैलरी यहाँ पर देखने को, इधर देखते हैं आपको 5 से 6 फीट की गैलरी मिल जाती है फ्रंट पर ही। वॉशिंग एरिया के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं काफी बेहतरीन स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। पूरी जगह आप देखेंगे पूरा बैंकर डेकोरेशन आपको देखने को मिलती है प्रॉपर्टी के अंदर। और ये देखेंगे तो सामने भी यहाँ से भी पूरा टाइल्स का इन्होंने यूज किया है। प्रॉपर्टी के अंदर जाने के लिए दोस्तों डबल एंट्री आपको मिलती है। वैलिड एंट्री आपको ड्रॉइंग एरिया के लिए लेकर जाती है, दूसरी एंट्री आपको ड्राइंग एरिया के लिए ही लेके जाती है, पर वो थोड़ा हटकर है। तो आप डबल एंट्री इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो आपकी ये सीढ़ियाँ हैं बाहर से हैं, तो 1 बेडरूम इसमें ऊपर आपको देखने को मिलता है। 2 बेडरूम का कंप्लीट जो सेट है
वो आपको नीचे देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टी दोस्तों लगभग 3 BHK आपको देखने को मिलती है। ऊपर भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट इनका है। तो दोस्तों करिए वीडियो का पूरा ट्यूर, अभी हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ड्रॉइंग एरिया में, और ड्रॉइंग एरिया आप देखेंगे काफी स्पेशियस ड्रॉइंग एरिया आपको देखने को मिलता है, और काफी अच्छी तरह से डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ड्रॉइंग एरिया का आप एरिया अगर साइज वाइज देखेंगे तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पे कम से कम 11 सीटर सोफा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद भी काफी स्पेस आपको यहाँ पर जो फ्री है वो आपको देखने को मिलता है। इधर आप देखेंगे ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा वॉलपेपर लगा रखा है, ये आजकल जो डिजाइन चल रहे हैं वॉलपेपर के वो आपको देखने को लग रहा होगा कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो टाइल यहाँ पर ऑनर ने लगाई हुई है पूरा, अगर आके देखेंगे ये पूरा टाइल है जो कि बाहर से मंगाई गई है। हर एक चीज इस घर के अंदर आप जो इंटीरियर डिजाइनिंग में देख रहे हैं वो सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से इन्होंने लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिल नहीं पा रही थी। तो ये सबसे पहले तो इसी का देख लीजिए, ऐसा लग रहा है वॉलपेपर है। वॉलपेपर के पास भी टाइल पूरी काफी ब्रांडेड टाइल इन्होंने यूज किए यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर की साइड आ जाते हैं, तो ये आपका पूरा टीवी पैनल के लिए पूरा आप देखेंगे पूरा आपका शोकेस है, पूरा अच्छी तरह से डेकोरेट है, आप यहाँ अपनी टीवी इंस्टॉल करा सकते हैं। इधर आपका डेकोरेशन के कोई भी आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और जो मैं पहली एंट्री की बात कर रहा था, आप देखेंगे इधर की तरफ से भी आप इसमें ड्रॉइंग एरिया में एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज इधर देखेंगे पूरी फुल साइज विंडो आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं पर्दे हटाकर भी आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पूरी एक बड़ी विंडो है जो कि फुल साइज है। तो इससे क्या है दोस्तों, घर के अंदर वेंटिलेशन आपको काफी शानदार देखने को मिलता है, चाहे डे लाइटिंग है या फिर आपका वेंटिलेशन रहता है हवा का। और ऊपर आप देखेंगे तो काफी अच्छा डिजाइन आपको एक फोर सेलिंग का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी डिजाइन से बनाई गई है और काफी अच्छा है जो कलर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज आप देखेंगे ड्रॉइंग एरिया के साथ ही आपको एक कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला आपका कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम है, अगर जैसे कि कोई ड्रॉइंग एरिया में बैठे हो तो यहाँ पर आप अपना वॉशरूम यूज कर सकते हैं, ये आपका कॉमन वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम में भी ऊपर तक टाइल आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ जैसे हम चलते हैं, तो सबसे पहले आपका एक पार्टीशन आपको यहाँ पर दिया गया है ड्रॉइंग और डाइनिंग और किचन के बीच का। मान लीजिए आपके यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए, तो यहाँ से आपका एक पार्टीशन है, बीच में आप देखेंगे कर्टन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये भी आप देखेंगे काफी अच्छे डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफी बेहतरीन डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसका जैसे आप आगे की तरफ आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप आएंगे तो ये आपका इधर डाइनिंग एरिया आ जाता है। देख सकते हैं ये आपका डाइनिंग एरिया के लिए काफी बड़ा स्पेस है, आप चाहें तो बड़ा टेबल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर 8 सीटर का लगभग आपका डाइनिंग टेबल है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरा डाइनिंग एरिया की जितनी वॉल्स हैं सब पर आपका एक काफी शानदार पैटर्न के साथ डिजाइन की एक अच्छे डिजाइन और एक पैटर्न का टाइल्स इन्होंने यहाँ पर यूज की है। इधर की साइड भी टाइल्स हैं दोस्तों, और जो पूरी इधर की साइड है वो भी टाइल का इन्होंने वर्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो काफी अच्छे डिजाइन के साथ आपको यहाँ पर एक ड्राइंग एरिया जो डाइनिंग एरिया है उसका सेट देखने मिलता है। डाइनिंग एरिया के जस्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा साइज में एक आपकी जो वॉशबेसन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपका मिरर लगा हुआ है सामने काफी बड़ा, और इधर आपका जो यूटिलिटीज के सामान होते हैं आपके जो सामान के लिए काफी बड़ा है कि आप नीचे स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है, यहाँ पर अपने कोई भी वॉश बेसिन के रिगार्डिंग कोई भी आपका जो हाथ धोने के साबुन है टॉवल है कुछ भी वहाँ पर रख सकते हैं। डाइनिंग एरिया से जब जैसे ही आप आगे की तरफ आते हैं, तो ये आपका यू शेप में मॉड्यूलर डिजाइन का किचन आपको देखने को मिलता है। मॉड्यूलर डिजाइन के साथ काफी स्पेसियस किचन आपको देखने को मिल जाता है। यू शेप में किचन है दोस्तों, और काफी शानदार वर्क आपको इस किचन के अंदर भी देखने को मिलता है। इधर आप देखेंगे एक डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप जैसे यहाँ पर आप अपने कोई भी सामान यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ऑनर ने यहाँ पर अपना फिश टैंक रखा हुआ है, इधर गमले रखे हुए हैं, पर काफी डेकोरेशन के सामान आपको किचन के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। और इस किचन के अंदर आपको ना ही रैक की कमी होने की देखने को मिलने वाली है, ना ही ड्रॉल की कमी देखने को मिलने वाली है। काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको सारी ड्रॉल और रैक्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और काफी ब्रांडेड हैं। अगर आप ओपन करके भी देखते हैं तो काफी स्मूथ है ये, अगर आप आगे देखेंगे तो एक एक चीज है जो ब्रांडेड यूज करा गया है। आप किचन में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक विंडो है, और विंडो से जो पूरा व्यू आपका पार्किंग का व्यू है, पूरा गेट यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। तो आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं अकेले हैं तो आप देख सकते हैं कि एंट्री गेट पर कौन है कौन आया है, तो सब चीजें आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल होती है। उसके आप देखेंगे पूरा सिंक काफी बड़े साइज का आपको सिंक देखने को मिलता है, डबल सिंक है दोस्तों, और नॉइस प्रूफ सिंक यहाँ पर यूज करा गया है। तो ये किचन है। इधर की तरफ जो किचन का पार्टीशन आप देखेंगे, यहाँ पर आपका
ओपन है जो कि ग्लास के साथ विजिबल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो ये फ्रीज के लिए भी काफी स्पेस है, आप यहाँ पर कितना भी बड़ा फ्रीज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि साइज अभी जो रिसेंटली फ्रीज रखा हुआ वो भी काफी बड़ा हुआ है। तो इस तरह की किचन है। ऊपर आप देखेंगे पूरे किचन के अंदर वॉल पर टाइल्स का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। पूरे किचन के अंदर आपको टाइल्स का वर्क देखने को मिलता है। फ्लोर की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे घर में ही ब्रांडेड टाइल्स इन्होंने यूज की है। नीचे पूरा फ्लोर पर आपको टाइल्स का ही वर्क देखने को मिलता है। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका किचन तक का पार्ट। अब हम लेके चलते हैं इनके बेडरूम में, जो कि काफी अच्छे स्पेसियस और काफी बड़े शानदार बेडरूम आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो आप देखेंगे तो बेडरूम भी काफी स्पेसियस आपको देखने को मिलते हैं, काफी अच्छे साइज के साथ आपको बेडरूम मिलते हैं। तो बहुत लोगों की शिकायत होती है बेडरूम छोटे हैं बहुत सारे घरों में, पर यह आपको जो बेडरूम के साइज हैं काफी शानदार देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं डबल बेड आने के बाद भी दोनों तरफ इधर की साइड भी और उधर की साइड भी आप देखेंगे काफी स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी चीज है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो काम आप देख रहे हैं A1 क्वालिटी का काम इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि 3-4 महीने पुरानी प्रॉपर्टी है, पुरानी के अब जल्द 2-3 महीने पहले ही काम फिनिश हुआ है दोस्तों। तो देख सकते हैं शानदार आपको अलमीराज देखने को मिल जाती हैं। ऊपर आपका स्टोरेज के लिए स्पेस है, नीचे आपके जो कपड़े हैं वो आप रख सकते हैं। इधर क्या है दोस्तों, इधर आपकी ड्रेसिंग आ जाती है विद मिरर, आप देखेंगे तो ये आपका काफी अच्छा स्पेस है, लेडीज के लिए काफी सही रहता है। यहाँ पर अपना कितना भी सामान यहाँ रख सकते हैं, मेकअप का या आपके जो डेली यूज का सामान है वो आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। बाकी फ्रंट पे ही आपको मिरर देखने को मिल जाता है। और जैसे आप आगे की तरफ चलते हैं, ये आपका LED पैनल है। और दूसरी चीज और दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आप देखेंगे बेड के बैक साइड वाली जो वॉल है, यहाँ पर भी टाइल्स है, इन्हें आप कोई वॉल पेपर या कुछ ऐसा ना समझे। तो दोस्तों बॉल्स नहीं है, सारे ही घर में जितने भी आप टेक्चर वाले बॉल देख रहे हैं उन पे सारी पे ही एक टाइल्स का इन्होंने यूज किया है। काफी अच्छी टाइल्स हैं, काफी सर्च के बाद इन्होंने ये जो टाइल्स इन्होंने चूज करी है, काफी अच्छे पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। इधर आप देखेंगे फुल साइज का विंडो आपको मिलती है, जो कि पीछे की गैलरी है उसमें आपको ओपन देखने मिलती है, कि पीछे जो गैलरी है वॉशिंग एरिया है वो भी काफी अच्छे साइज में आपको मिलता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों हम पीछे की तरफ। ये आप आते हैं तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे यहाँ आपका वॉशिंग एरिया और प्लस आपकी गैलरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भी सामान स्टोर कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने गमले लगाए हुए हैं, तो पीछे भी काफी साफ सफाई आपको देखने को मिल जाती है। इधर वॉशिंग एरिया है तो पूरी आप देखेंगे फिटिंग है, 2 नल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और पानी की जो निकासी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। काफी ठीक ठाक एरिया है, लगभग 5-6 फिट की वो गैलरी आपको मिल जाती है। ऊपर आप देखेंगे 3 सेट से पूरा कवर करा हुआ है। और जो AC का आपका बाहर का आप देखेंगे, बाहर इन्होंने पूरा AC की जो फिटिंग रहती है वो उसके लिए प्रॉपर एक दोस्तों ये बनाया हुआ है, रैक बनाई है ऊपर जिसपे अपना एक सपोर्ट रहता है। और ये जो गैलरी है दोस्तों, वॉशिंग एरिया है, दोनों ही रूम से अटैच है। मैं अभी सेकेंड रूम में भी आपको लेके चलूंगा, देखेंगे इसकी जो एंट्री है इधर से है, पूरा कंप्लीट सेट है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे पीछे दोस्तों मोस्टली आपने देखा होगा पेंट करा के छोड़ देते हैं, यहाँ पूरे घर में पूरा सीलन ना है किसी हर चीज का बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया, तो पीछे भी टाइल इन्होंने लगा दिए। यहाँ तो देखिए इधर भी टाइल्स लगी हुई हैं, इधर भी पूरा पीछे तक टाइल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं चलता हूँ दोस्तों इसके सेकंड बेडरूम में आपको लेकर। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। तो ये जस्ट पहले बेडरूम के साइड में ही आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये आप एज अ मास्टर बेडरूम यूज कर सकते हैं, अपना पर्सनल बेडरूम यूज कर सकते हैं। तो साइज दोनों बेडरूम के काफी ह्यूज साइज में आपको बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे इधर भी आपका डबल बेड है, इधर भी काफी स्पेस है, 3-4 फीट इधर भी आपका छूटा हुआ है, 4-5 फीट का एरिया उधर भी छूटा हुआ है। तो ये बेडरूम की जो साइज है काफी शानदार साइज है, उसके जो प्रॉपर डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां आप जाकर देख सकते हैं बेडरूम की साइज क्या है। और इधर आप देखेंगे पूरी अलमीरा है, ऊपर भी स्टोरेज के लिए काफी स्पेस है। और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखेंगे ये अलग से इन्होंने बनवाया हुआ है, जैसे कि ये आपकी वार्डरोब है उसके साइड में ही आपका, या तो बच्चे हैं छोटे स्टडी टेबल के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इतना स्पेस है। आप बच्चे अगर पढ़ने वाले बच्चे आपके घर में हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से चेयर डालकर। और ये यहाँ पर काफ़ी स्पेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका रैक दी हुई है, ऊपर भी आपका स्टोरेज के लिए सामान के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। इधर आपकी अलमीरा, ऊपर स्टोरेज के लिए स्पेस है। और इधर देखेंगे तो रूम के साथ आपको काफ़ी अच्छा एक LED पैनल के लिए काफ़ी अच्छे एक मिल जाता है, यहाँ पर अपना इंस्टॉल करा सकते हैं, बड़े से बड़ा LED आप यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं,
साइड में नीचे भी आपके लिए स्पेस दिया हुआ है, साइडों में भी आप देखेंगे स्पेस का है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों इधर आप देखेंगे, मैंने बात करी थी दोनों बेडरूम से, ये गैलरी जो है पीछे वॉशिंग एरिया है वो अटैच है, तो आप इधर देख सकते हैं। इधर मैं जाता हूँ तो ये आपका वॉशरूम आ जाता है, जो कि इस रूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके टॉप पर, वहाँ आपको दिखाता हूँ आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा इस जो सीढ़ियाँ हैं उस पर, एक तो टाइल्स आप देखेंगे काफ़ी अच्छी टाइल्स, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे टेक्चर के साथ यूज करी गई हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं उनसे काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिलता है, मतलब काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। अगर आपको कोई सामान कल के टाइम में शिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर लाना ले जाना, तो काफ़ी दिक्कत होती है उसमें, तो यहाँ ये वो वाली दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलने वाली। और देखेंगे साइडों में भी टाइल्स हैं जो कि एक्सटीरियर हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ 3D टाइल्स यहाँ पर इन्होंने यूज़ की गई है, और आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है। पूरा नीचे से ऊपर तक ग्रिल है, जो कि स्टील की रेलिंग आप देखेंगे पूरी लगाकर यहाँ पर दी गई है। और इधर भी आप देखेंगे तो काफी बड़ा आपको जो वेंटिलेशन के लिए है, डे लाइटिंग के लिए काफी अच्छा मिरर ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है। और आप ये देखेंगे तो ये आपकी पूरा काफी शानदार काम आपको फिनिशिंग के साथ मिलता है। दूसरी चीज, जैसे आप ऊपर चलते हैं, सबसे बेहतरीन आप देखेंगे मंदिर के लिए स्पेस इन्होंने काफी अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है। आप जैसे आते हैं तो ये खोल दीजिए और आप देखिए मंदिर के लिए काफी स्पेस है, आराम से आप बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और एक सेपरेट एरिया है, ना कोई शोर शराबा ना कुछ, आप शांति से आराम से ध्यान लगा सकते हैं, तो काफी बढ़िया करके यहाँ पर आपको देख सकते हैं मंदिर के लिए स्पेस मिल जाता है। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक बेडरूम है, और बेडरूम काफी अच्छे साइज के साथ है, काफी स्पेसियस है। आप चाहे तो एज अ पर्सनल आप इसे यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पर भी पूरा एक वॉल पर टेक्चर फलिक टाइल है, यहाँ पे ये वॉलपेपर नहीं है दोस्तों, ये भी टाइल इन्होंने यूज की है। और काफी अच्छी तरह से इन्होंने मतलब अपने घर के जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, जो मटेरियल ढूंढा है, जो टेक्चर ढूंढा है, जो पैटर्न ढूंढे हैं, वो काफी अच्छे बेस पर है। ऊपर आप देखेंगे रूम है दोस्तों, रूम काफी स्पेसियस है, ये इन्होंने एक्चुअली रेंट पर्पज के हिसाब से बनाया हुआ है। इधर आप देखेंगे यहाँ किचन है, किचन देखेंगे मॉडुलर किचन है, छोटी है, रेंट के हिसाब से इतनी काफी होती है मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर आपको रेंट पर देना है तो 6-7 हजार रुपये रेंट, आप 7-8 हजार जिस तरह का ये प्रॉपर्टी है उस हिसाब से काफी अच्छा रेंट आ जाएगा। इधर आप देखेंगे अलमीरा दे रखी है बाकायदा, यहाँ आप कपड़े रख सकते हैं, प्रॉपर एक कम्प्लीट 1 BHK सेट है ऊपर। और ये नहीं कि छोटा रूम है कि रेंट पर देना, छोटा बना लेते हैं। ये आप देखेंगे इसके साथ अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम काफी स्पेसियस है, टाइल्स काफी 7-8 फीट तक टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, वेस्टर्न सीट का यूज किया गया है। और साइड में ही अपना आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, देखिए दोस्तों छोटा सा वॉश बेसिन दे दिया है, नीचे आपका स्टोरेज के लिए ही यहाँ पर है, काफी सामान यहाँ रख सकते हैं, और काफी प्यारा भी लग रहा है देखने में। और अगर आप देखते हैं तो काफी बड़ा साइज आपको इस बेडरूम का देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे काफी बढ़िया व्हाइट कलर के आपको एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। इधर आपकी दोस्तों फुल साइज विंडो है, मैं पर्दा हटाकर दिखा देता हूँ। अब लाइटिंग देखिए घर के अंदर, इस मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जब आते हैं तो लाइट जलाने की जरूरत आपको दिन में नहीं पड़ने वाली। अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ, देखिए ये देखिए मैंने सारी लाइट इस रूम की बंद कर दी, आपको लाइट जलाने की जरूरत दिन में नहीं पड़ने वाली है, काफी शानदार डे लाइटिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, जैसे यहाँ से आगे आएंगे कम से कम 5-6 फीट की गैलरी जो बालकनी आपकी आ जाती है, काफी बड़ी बालकनी है और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से डेकोरेट करी गई है। सबसे पहले आप जैसे बालकनी में एंटर होंगे, सबसे पहले आपको हिल व्यू दिखाई देने वाला है, तो जो लोग देख रहे हैं थोड़ा भाई उठते ही पहाड़ों के दर्शन करना चाहते हैं, पहाड़ों का व्यू उसे एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है दोस्तों। ऑनर बिल्ड प्रॉपर्टी है, 164 गज में बनी हुई प्रॉपर्टी है, लैंड एरिया इसका 164 गज है दोस्तों। और अगर मैं इसके बालकनी की बात करता हूँ तो काफी खूबसूरत बालकनी है, बाकी आप देखिए स्पेस भी काफी शानदार आपको बालकनी का देखने को मिलता है, लगभग 25 ही फ्रंट होगा बालकनी का भी, 25-26 फ्रंट आपको बालकनी का भी मिल जाता है, और 6-7 फीट ऐसे चौड़ाई में आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, तो अपनी चेयर डालकर एंजॉय कर सकते हैं। आप देखेंगे काफी बेहतरीन डिजाइन आपको फ्रंट पे ही मिलता है, फ्रंट पे इन्होंने पूरे टाइल का इन्होंने यूज किया दोस्तों, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है कि आपको पेंट करने की जरूरत पड़ रही है,
तो इधर भी अगर आप देखेंगे काफी स्पेस है, यहाँ इन्होंने गमले रखे हुए हैं, डेकोरेट करी हुई है पूरी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से, क्योंकि काफी प्यार से बनाई है दोस्तों, 3-4 महीने हुए हैं प्रॉपर्टी को बनाए हुए। तो दोस्तों अभी ये बालकनी है, बालकनी के बाद मैं आपको इसके पीछे की साइड ले जाता हूँ, वहां भी आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं उधर की साइड। तो दोस्तों अभी मैं आगे देखो बाहर की साइड, तो बाहर की साइड भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इधर से देखेंगे तो यहाँ पर एक बरामदा दे रखा है छोटा सा। पहली बात तो छत देखिए, छत पे काफी बेहतरीन स्पेस आपको बैक साइड में मिल जाता है। कॉलम पर बनी हुई प्रॉपर्टी है दोस्तों, प्रॉपर कॉलम है। पीछे से आप अपने 2 बेडरूम और भी निकाल सकते हो। इधर आप देखेंगे ये वॉशिंग एरिया आ जाएगा, यहाँ इन्होंने वॉशिंग एरिया का बैक साइड में भी रखा हुआ है, देख सकते हैं वॉश बेसिन है, वॉशिंग एरिया है। और आपको अभी भी स्टोर की कमी लग रही है तो आप देख सकते हैं इधर इन्होंने बरामदे में भी ऊपर, तो देख सकते हैं पीछे भी बरामदे में भी स्पेस दिया हुआ है, तो आप अपने यहाँ पे स्टोरेज के लिए सामान रख सकते हैं या कोई कुछ भी यहाँ पे बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में, सर्दियों के मौसम में धूप लेनी है तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट है आसपास का। और आप इधर से भी देखेंगे दोस्तों ये पहाड़ी व्यू जो आपको मिलने वाला है, हिल व्यू जो आपको मिलने वाला है, काफी शानदार देखने मिलता है। पूरी मसूरी की मालदीव तक की जो पहाड़ियां हैं वो आपको ऐसे दिखाई देने देखने को मिल जाती है। देखो भाई पूरा बेहतरीन व्यू आसपास का है। और ये प्रॉपर्टी जो दोस्तों तुनवाला में है, अभी धूप है तो चलिए चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर तीसरी छत पे जाने के लिए भी जगह है, अभी धूप काफी तेज है तो मैं अभी यहाँ से आसपास का दिखाई देता हूँ दोस्तों बाकी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी। लगभग 164 गज में है, 25 फ्रंट है प्रॉपर्टी का और 59 आई थिंक जो इसका डेप्थ है। तो 25x25 फ्रंट और 59 इसकी आपको डेप्थ देखने को मिल जाती है। 164 गज की प्रॉपर्टी है, 3 BHK ऑनर बिल्ड प्रॉपर्टी आपको आई है, काफी बेहतरीन है। सबसे पहले तो आप कमेंट करिएगा कि ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी, इंटीरियर वर्क कैसा लगा, इसके अंदर जो काम करा गया है वो आपको कैसा देखने को मिला। अर्जेंट में आइए दोस्तों प्रॉपर्टी, और अर्जेंट सेल करने का रीजन ये है कि ये थोड़ा बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्हें जल्दी बेचनी पड़ रही है। और भी कोई क्वेरी है, अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है आप उसे सेल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो शूट कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अभी अगर मैं इसकी डिमांड की बात करता हूं दोस्तों, 1,30,00,000 रुपए की डिमांड है, स्लाइटली नेगोशिएबल है ऑन टेबल। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है, आपके बजट में आती है दोस्तों, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।